दोस्तों, अगर आप लोग क्लास 12th आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो आप लोग ये वीडियो बिल्कुल मिस मत करो, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, हिस्ट्री यानी इतिहास, क्लास 12th हिस्ट्री का हम जो यहाँ पे पूरा बुक उठाए हैं उससे टॉप क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। टोटल यहाँ पे 25 लगभग क्वेश्चन आपको बताएंगे जो कि एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम पास में आ चुकी है तो मतलब एग्जाम आ गई है समझ लो। अब यहाँ पे क्या है ना कि आपको क्वेश्चन देखनी होगी और यहाँ पे टॉप क्वेश्चन है, अभी पूरा साल आप तैयारी कर ली हो और ये सारे क्वेश्चन क्या है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ पे स्टार मार्क्स ये सारे क्वेश्चन में लगा लो। सभी क्वेश्चन एक बार जरूर देख के जाओ, ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। इसको अपने दोस्तों के साथ जल्दी से शेयर कर दो, क्योंकि टाइम बहुत कम है, सभी के पास ये वीडियो नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए जल्दी से सभी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दो, सभी के पास इस वीडियो को पहुंचा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको आगे जो सब्जेक्ट का एग्जाम होने वाला है उसका हम यहाँ पे वीडियो आपके लिए लाए तो आपको मिल जाए। चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या आ जाती है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे याद कर लीजिए सभी क्वेश्चन क्या है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? आपको इसमें से बहुत क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्या है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? आंसर हो जाएगा यहाँ पे रावी नदी के किनारे, ऑप्शन डी हो जाएगा। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर यहाँ पे दो का हो जाएगा। क्या चीज दो का? देखो ऑप्शन यहाँ पे आपको एग्जाम में जो है ना, ऑप्शन ए बी यहाँ पे ये चारों ऑप्शन एक साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि देखो होता क्या है, ये जो है संविधान सभा के अध्यक्ष जो है तो ये अस्थायी और अस्थायी दोनों है। तो अस्थायी जब पूछा जाएगा ना, जब क्वेश्चन में अस्थायी अध्यक्ष रहेगा तो आप लोग वहां पे लगाना ये सच्चिदानंद सिन्हा, और जब पूछा जाए अस्थाई अध्यक्ष कौन था तो वहां पे हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। तो आपको एग्जाम में वो देखना होगा, अस्थाई लिखा हुआ क्वेश्चन में या फिर अस्थाई। यहां पे दो का राइट आंसर ऑप्शन ए और बी, आप अपने हिसाब से देख लेना। अभी क्या है ना, क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या है, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे, तो कब बने थे यहां पर यह पूछ रहा है। तो तीन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1946 में बना था। अभी यहां पर क्या है, चार नंबर क्वेश्चन, और यह क्या है, इंडिका किसकी रचना है? इंडिका जो मेघास्तनीज की रचना है, ऑप्शन नंबर ए यहां पे सही हो जाएगा, इंडिका मेघास्तनीज की रचना है। अभी चार नंबर के बाद पांच नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्या है, मनुस्मृति के रचयिता थे, मनुस्मृति के रचयिता थे, तो आंसर हो जाएगा यहां पे मनु जी, ऑप्शन नंबर सी यहां पे सही हो जाएगा। क्या चीज, मनु। अभी छह नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्या है, गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? तो गंगा पुत्र किसको कहा जाता है, ऑप्शन सी यहां पे राइट हो जाएगा, भीष्म को, ऑप्शन नंबर सी इसका भी राइट हो जाएगी। छह नंबर क्वेश्चन देख लिए, इंपॉर्टेंट है, याद करते हुए सभी क्वेश्चंस को चलो। सेवन नंबर क्वेश्चन, अब सात नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और इसमें बोला जा रहा है वैदिक सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो आंसर यहां पे सेवन का हो जाएगा। क्या चीज, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्रामीण सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो ग्रामीण सभ्यता थी। अभी एट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्या है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था, आंसर हो जाएगा 1526 ईस्वी में। एक वीडियो में हम ये बता दिए थे, लेकिन वहां पे ये जो है ना, ये हो जाएगा यहाँ पे, ये आंसर नहीं है, यहाँ पे प्रथम युद्ध जब बोला जाए यहाँ तो 1526 ईस्वी सही हो जाएगा। कब हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध, तो 1526 ईस्वी में, सॉरी ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगी। चलो नाइन नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और ये यहाँ पे क्या है, सिलसिला क्या है, सिलसिला क्या है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सूफी व्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अभी चलो 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्या है, 10 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे बोला जा रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, आंसर हो जाएगा यहाँ पे 10 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1600 ईस्वी में, कहाँ हुई थी, कलकत्ता में। अभी क्या है, 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्या है, बहादुर शाह की मृत्यु कहाँ हुई थी, बहादुर शाह की मृत्यु कहाँ हुई थी, दिल्ली में, रंगून में, आगरा में, काबुल में, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे रंगून में, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगी। अब यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्या है, सात द्वीपों का नगर कहा जाता है, तो सात द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है, आंसर हो जाएगा यहाँ पे बम्बई को, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा, 12 का ऑप्शन ए राइट हो जाएगी। अभी 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या है, डांडी किस राज्य में स्थित है, डांडी किस राज्य में स्थित है, तो 13 का आंसर क्या हो जाएगी, 13 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुजरात में स्थित है। अभी 13 नंबर क्वेश्चन के बाद 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और इसमें बोला जा रहा है क्या है, चंपारण स्थित है, चंपारण स्थित है, तो कहाँ स्थित है, आंसर हो जाएगा यहाँ पे कहाँ, बिहार में, चंपारण जो है बिहार में स्थित है। अभी क्या है ना, 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे, तो कौन थे यहाँ पे, तो यहाँ पे 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सरदार पटेल, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगी। चलो यहाँ पे 15 क्वेश्चन देखिए, अभी साथ में ही हम लोग यहाँ पे क्या है ना कि आगे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, ये भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे 11 क्वेश्चन और बता रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए, क्लास 12th के हिस्ट्री यानी इतिहास का। अभी क्या है ना, ये क्वेश्चन देख लेते हैं, और आप लोग वीडियो को जल्दी से लाइक कर लीजिए अभी तक अगर लाइक नहीं किए हैं तो। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर वन, और ये क्या है, क्वेश्चन नंबर वन आप लोग आराम से इसको याद कर लीजिए। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है,
है हरप्पा संस्कृति आधारित थी? तो आंसर क्या हो जाएगा, व्यापार पर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। हरप्पा संस्कृति किस चीज पर आधारित थी, तो व्यापार पर यहाँ सही हो जाएगा। अभी दोनों और क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्या है, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे त्रिभुजाकार। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगी। दोनों और क्वेश्चन देख लिया, अब यहाँ पे तीन और क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्या है, अंगराज आधुनिक बिहार के किस जिले में स्थित था? अंगराज आधुनिक बिहार के किस जिले में था? तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तीन का आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या चीज़, भागलपुर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा तीन का सही आंसर। अभी चार नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और इसमें बोला जा रहा है चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तो यहाँ पे चार का जो आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन सी हो जाएगा, तौसाली में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगी। अब पाँच नंबर फाइव नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और इसमें बोला जा रहा है मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? तो पाँच का आंसर हो जाएगा क्या चीज़, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजगृह में। ऑप्शन नंबर बी। अभी छः नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्या है, जीवक ने वैद्य की शिक्षा कहाँ से पाई? जीवक ने वैद्य की शिक्षा कहाँ से पाई? तो छः का जो आंसर हो जाएगा क्या चीज़, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तक्षशिला। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगी। अभी हम लोग छः नंबर के बाद सात नंबर क्वेश्चन, सेवन नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्या है, जीवक कहाँ का रहने वाला था? जीवक कहाँ का रहने वाला था? तो यहाँ पे सेवन का आंसर क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शन सारे पढ़िए, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पे सेवन का ऑप्शन नंबर डी, राजगृह में। जीवक कहाँ का रहने वाला था, तो राजगृह में। अभी क्या है ना, यहाँ पे हम लोग ये भी देखे थे कि जीवक ने वैद्य की शिक्षा कहाँ से पाई थी, तो आंसर तक्षशिला, और जीवक कहाँ का रहने वाला था, तो राजगृह, ऑप्शन नंबर डी। अभी एट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और एट नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, विश्व में पाई जाने वाली पहली धातु थी, विश्व में पाई जाने वाली पहली धातु थी? तो आंसर हो जाएगा यहां पे तांबा। ऑप्शन नंबर एट का बी सही हो जाएगी। नाइन और क्वेश्चन, नौ और क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बोला जा रहा है अशोक के कुल कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए हैं? तो आंसर नाइन का क्या हो जाएगा, नाइन का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 44 अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए हैं। अब चलो दस नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और इसमें क्या बोला जा रहा है, भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि थी? तो आंसर क्या हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि जो थी ना, भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि थी। अब ग्यारह नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बोला जा रहा है अशोक की व्यक्तिगत धर्म क्या था? अशोक की व्यक्तिगत धर्म क्या था? तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म। तो हम लोग यहाँ पे ये सारे इतने क्वेश्चन देखें, होप आपको सारे क्वेश्चन याद हो गए होंगे। अब आपको क्या करना है, इस वीडियो को जल्दी से सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, वीडियो को लाइक कर लेना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और आगे जो वीडियो ना, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाइए जल्दी से डिस्क्रिप्शन चेक करिए, आपको आगे सभी वीडियो का हिस्ट्री का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जाके देखिए सभी वीडियोज को देख लीजिए, आराम से एग्जाम देने जाइए, अच्छा से एग्जाम दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।